देश की महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए परिवारों में वो मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो भारत सरकार से बन पाएगा वो करेगी। कहा कि एक देश में दो कानून, एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, दो विधान नहीं हो सकते, और दो विधान नहीं हो तो उसके लिए जो काम करना जरूरी है वो काम भी हमारी सरकार उसमें जुड़ी हुई है। मुस्लिम कंट्रीज की भी बात की कि वहाँ पर तीन तलाक नहीं है, तो भारत में कैसे? ये बहुत पुरानी कहानी है मैम। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 80-90 साल पहले इजिप्ट जैसे देश ने तीन तलाक की प्रथा को ख़त्म किया, और देश के नियम कानूनों में कहीं पर भी बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर उन्होंने अपने नियम कानून को भी बदला, और उसी व्यवस्था को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आवश्यक है। महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का विषय, सामाजिक न्याय का विषय है, और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। हाल ही में विपक्षी बैठक भी खत्म हुई है, उसको लेकर भी फोटो अपॉर्चुनिटी बताया। प्रधानमंत्री जी ने उसको फोटो अपॉर्चुनिटी बताया क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठी फोटो खिंचवा रहे हैं, और कई लोग और किस्म की बात कर रहे हैं, मगर हम तो ये मानते हैं कि कमल तो तभी खिलेगा जब आसपास दलदल ज्यादा होती है, तो कमल तो उसी में खिलता है, तो जिसने जितना करना है वो करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी और कमल खिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। सवाल है G20 को लेकर जो चल रहा था पूरे देश में, प्रगति मैदान में जो रॉबरी हुई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, एक पॉश एरिया पर ये सब होता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत अच्छी है पंजाब में, जहाँ इनकी सरकार है। देश में सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर है, वहाँ की स्थिति ठीक कर लें, और 40 MLA जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, क्रिमिनल केसेस बने हुए हैं, और इनके कॉरपोरेटर दिल्ली रायट्स, दिल्ली दंगों के अंदर, चाहे वो अमानतुल्ला खान हो, चाहे वो जिन्होंने अंकित नाम के IB अफसर की हत्या की थी वो हो, वो सब कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स जो हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और शायद इनके जब उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार अपराधी गतिविधियों में ED की चपेट में या अन्य चीजों में जेल जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए शायद ये चाहते कि आप कानून व्यवस्था इनके हाथ में हो। देश की महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए परिवारों में वो मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो भारत सरकार से बन पाएगा वो करेगी। कहा कि एक देश में दो कानून, एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, दो विधान नहीं हो सकते, और दो विधान नहीं हो तो उसके लिए जो काम करना जरूरी है वो काम भी हमारी सरकार उसमें जुड़ी।